हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम जनरल साइंस के बारे में सीख रहे हैं। और जनरल साइंस के बारे में सिखाने का मेरा ये तरीका है कि हम आरआरबी के पुराने पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आरआरबी के जो पुराने पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए थे उसको विद आंसर हम देखेंगे, और भी उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। और इसमें मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट में हमेशा अभी 6th क्लास के जो साइंस के चैप्टर्स हैं उनको मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं। तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में बने रहिए ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आरआरबी अहमदाबाद 1995 में जो क्वेश्चंस आए थे, और त्रिवेंद्रम आरआरबी 1996 में जो क्वेश्चंस आए थे वो हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। तो दोस्तों, आंखों के लिए आपको पता ही होगा कि विटामिन ए जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसकी कमी से देखने में, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो देखने में दिक्कत होती है। दोस्तों, विटामिन क्या काम आते हैं? विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो सोर्स क्या है इसके? मिल्क है, कैरेट है, गाजर है, पपैया है, पपीता है। तो ये कुछ इसके सोर्स हैं जिनसे हम विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक होता है, विटामिन बी का जो समूह होता है उसमें से एक विटामिन बी12 होता है। इसके सोर्स क्या क्या हैं? इसके सोर्स है एग्स, अंडे, मिल्क, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, शेलफिश और पोल्ट्री, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। अब कुछ सोय और राइस बीवरेजेस जो होती है, ड्रिंक होती है, उससे भी हम विटामिन बी12 प्राप्त कर सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो आवेश का मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर आर। तो पहले तो आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, और चार्ज का जो सूत्र होता है वो करंट इनटू टाइम होता है, और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो आर होती है। इसलिए आवेश का जो यूनिट होगी वो एम्पियर आर होगी। डायनेमाइट में क्या पाया जाता है? दोस्तों, डायनेमाइट में जो इम्पोर्टेंट सब कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन का होता है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनेमाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। डायनेमाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रेलवे में या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि डायनेमाइट की खोज किसने की थी। डायनेमाइट की खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने की थी। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण होता है? एनीमिया रोग खून की कमी को दोस्तों बोलते हैं। खून की कमी मतलब आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि खून आयरन से ही बनता है। तो एनीमिया एक तरीके से खून की कमी या आयरन की कमी से बनता है, तो खून की कमी हो जाती है। खून की कमी का होने का कारण आयरन ना होना होता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से बनता है। आयरन पालक से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आयरन का सोर्स क्या है। तो आयरन पालक से मिलता है। तो अगर एनीमिया रोग हो जाए तो क्या होगा? बॉडी में हमें कमज़ोरी महसूस होती है। तो अगर बॉडी में कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके बॉडी में खून की कमी है, तो इसको एनीमिया रोग बोलते हैं। अर्थ पे अगर किसी व्यक्ति का वजन 800 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर इसका वजन जो होगा 100 न्यूटन होगा, यानी चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में वजन कम होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो दोस्तों, डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात से बना होता है। इस्पात एक तत्व है जिससे बना होता है। और जो डायनेमो है उसका आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार दोस्तों माइकल फेराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था।
गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? 19.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की यूनिट क्या होती है? दो तरीके के कोण होते हैं दोस्तों, एक तो होता है सरल कोण और एक होता है ठोस कोण। तो जो सरल कोण की यूनिट होती है वो तो रेडियन होती है, और जो ठोस कोण होता है उसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो जो सरल कोण है उसकी यूनिट रेडियन होती है, और जो ठोस कोण होती है उसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। इस्पात को इसकी प्रत्यास्थता से ज़्यादा अगर खींचा जाए तो क्या होगा? इस्पात को अगर इसकी प्रत्यास्थता से ज़्यादा खींचा जाएगा तो वो प्लास्टिक बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको क्लास सिक्स के अभी जो चैप्टर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हमें आसानी से समझ में भी आती है, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में उसको हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चैप्टर 9 जो है क्लास सिक्स का वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मानव है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जीवित और उसके आसपास का जो माहौल है इसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो हम जानते हैं कि जो सागर होता है उसका पानी खारा होता है, और खारे पानी में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो जो सागर होता है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए खारे पानी की उपलब्ध होता है, खारा पानी। अब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग अडोप्टेशन होता है, जो कैमल्स होते हैं दोस्तों, कैमल्स की लंबे टांगे होती हैं ताकि वो रेगिस्तान में जो रेत होती है उसकी गर्मी से अपने आप को बचा सके। तो लंबी टांगों की वजह से हीट जो होती है बॉडी तक नहीं पहुँचती, जिससे कैमल को गर्मी महसूस नहीं होती है। अब कैमल जो होता है पानी कैसे बचाता है? वो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन टू सेव वाटर, तो थोड़ी ही वो मूत्र करते हैं, इससे उनके पानी की बचत होती है। इनका जो डंग गोबर होता है वो भी ड्राई होता है, सूखा होता है, इस तरीके से भी ये पानी की बचत करते हैं। और दे डू नॉट स्वीट, उनको पसीना भी नहीं आता। तो इस तरीके से जो कैमल होते हैं वो अपने आप को भारी गर्मी में या जो रेगिस्तान का माहौल है उसमें ढालने में सक्षम हो पाते हैं। अब फिश का क्या गुण होता है जिसके कारण वो पानी में रह पाती है? उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, यानी स्ट्रीमलाइन शेप वो शेप होती है जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर सकती है, यानी पानी के जो दिशा, पानी के अनुसार जो शेप होना चाहिए वो फिश का शेप होता है, मछली का शेप होता है। फिश के जो स्केल्स होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिश के जो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, वो इसको ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वाटर में वो उसको यूज़ करती है यूजिंग गिल्स। तो फिश के गलफड़ों के थ्रू वो जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो यूज़ करती है। और ये चीज़ जो फिश कर रही है इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं, यानी अपने आप को माहौल में ढालते हैं, और जिस माहौल में ये रहते हैं जैसे पानी में रह रहे हैं तो उसको हम हैबिटेट यानी हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो दोस्तों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जहाँ पर मैदान होता है, पहाड़ी एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं लैंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, पहाड़ी इलाके, ये सब हमारे पास में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जहाँ पे हम ज़मीन पे रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट वो होते हैं जहाँ पानी होता है, सब पॉन्ड्स, तालाब, स्वैम्स, दलदल, झीलें, ओशन, महासागर, ये सब हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं जहाँ पानी पाया जाता है। तो ये हैबिटेट के दो टाइप हैं। हैबिटेट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, ये तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो जीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई भी प्राण नहीं होते, जैसे सनलाइट, हीट, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट इनके होते हैं हैबिटेट के। जब
कोई भी बीज होता है वो स्प्राउट यानी अंकुर में बदल जाता है तो उसको हम अंकुरण बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको जर्मिनेटेड बोलते हैं। डेजर्ट प्लांट का क्या खूबी होती है? डेजर्ट प्लांट बहुत कम पानी छोड़ते हैं। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी धूप पड़ती है वाष्पोत्सर्जन होता है तो प्लांट्स की लीव्स पानी वायुमंडल में छोड़ती हैं तो उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो धूप पड़ती हैं तो बहुत ही कम पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है इनका रेगिस्तान में कि ये बहुत ही कम पानी का लॉस करते हैं। कैक्टस का ऐसा प्लांट होती है कि वो फोटोसिंथेसिस, इसका जो होता है फोटोसिंथेसिस वो हम स्टेम्स के द्वारा यानी इसकी जो तना होता है उसके थ्रू करता है। तो स्टेम के जो तना होता है वो कवर होता है वैक्सी लेयर, बहुत ही घनी लेयर से यानी परत से, उसके चारों तरफ परी परत होती है, इसलिए वो बहुत ही पानी कम लूज़ करता है यानी पानी बहुत इकट्ठा करके रख लेता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कैक्टस का, जिससे गर्मियों में भी अपने पास पानी को इकट्ठा करके रखता है। अब माउंटेन रीजन में देखते हैं कि माउंटेन रीजन में क्या होता है, हैबिटेट और जो सराउंडिंग होती है वो ठंडी होती है और हवा भरी होती है। तो ट्री की जो शेप होती है वो कौन शेप होती है ताकि उस पर बर्फ़ गिरे तो उसके ऊपर टिकती नहीं है और स्लोपी ब्रांचेस होती हैं तो जैसे ही बर्फ़ गिरे वो उसको नीचे गिरा दे। अब एनिमल्स जो रहते हैं माउंटेन रीजन में उसकी स्किन बहुत थिक होती है जिससे वो ठंड से बचते हैं। याक जो होते हैं उनके लंबे बाल होते हैं जिस जो उनको गर्म रखते हैं। तो स्नो लियोपार्ड जो होता है उसके थिक फर होते हैं यानी उसके बॉडी पे थिक फर होते हैं पूरी बॉडी पे जिससे वो ठंड से बचता है। माउंटेन गोट्स जो होती हैं उसके मजबूत पंजे होते हैं जिससे वो माउंटेन रीजन पे आसानी से चल सकती है, भाग सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स इसके वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं जिससे वो आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों की बात करें, घास के मैदानों के जो लायन होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं ताकि वो आसानी से घास में छुप सकें और अपने जो शिकार है उसको पकड़ सकें। इनके जो आँखें होती हैं वो इनके सामने की तरफ होती है ताकि ये जो शिकार है उसकी लोकेशन का अच्छी तरह पता कर सके। और डियर की जो हिरण होती है उसकी आई साइड में होती है ताकि वो चारों तरफ देख सके, और डियर को बहुत अच्छी स्पीड होती है ताकि वो भाग जाएं शिकारी से बच के। और इनके दांत भी मजबूत होते हैं हिरण के ताकि ये मजबूत से मजबूत तनों को भी चबा लेते हैं। डॉल्फिन और वेल्स की बात करें ओशियन में तो उनके पास गिल्स यानी गलफड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने नथुनों नोस्ट्रिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो डॉल्फिन और वेल्स जो होते हैं अपने नोस्ट्रिल्स से सांस लेते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर इज़ वेरी स्मॉल, जो ओशन में प्लांट्स की जड़ें होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसका तना जो होता है लंबा होता है, खोखला होता है और लाइट होता है। तो इस तरीके से ये समुद्र से स्टेम लंबा होता है इसलिए ये बाहर तक किनारे तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग बैक लेग्स, फ्रॉग्स की लंबी पीछे की टांगें होती है ताकि ये आसानी से पीछे की टांगों के सहारे जंप करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और का पेट भरते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं उनकी रिबन लाइक लीव्स होती हैं। अब इस ओशन में पानी के जो झटके लगते हैं उससे अगर पौधा अगर स्ट्रॉन्ग उसकी जो स्टेम है उसका हार्ड है तो वो आसानी से टूट सकता है, लेकिन जो ओशन में प्लांट्स होते हैं उनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इजीली बेंड हो जाता है, उनकी लीव्स भी आसानी से बेंड हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से जो समुद्र के जीव हैं, पहाड़ी इलाकों के जीव हैं, पौधे हैं, वो अपने आप को किस तरीके से अपने सराउंडिंग अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो मैंने
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और आपको अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।